नमस्कार प्रभा पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि शुरू हो गया है कोल्ड वॉर टू पिछड़ रहा है अमेरिका नई विश्व व्यवस्था को कौन देगा आकार तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले ताकि हर रोज आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारी पूर्ण पॉडकास्ट सुन सके युद्ध की क्या परिभाषा हो सकती है इंसान को इंसान से बेपनाह नफरत सिखाने की पाठशाला मानवता को दुपकारने का खुला निरंकुश मंच कितना अच्छा होता कि काश दुनिया के तमाम बड़े झगड़े प्रेम से सुलझाए जा सकते तब दुनिया को बेमतलब खून खराबे की जरूरत नहीं होती फिर बात वही आ जाती कि ऐसा होता तो क्या होता मगर ऐसा हो रहा है कि रूस और यूक्रेन का झगड़ा उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से शांति की बातें बकवास लगती है ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के टसन में जापान ने दस्तक दे दी है इतिहास के सबसे लंबे युद्ध की बात करें तो शीत युद्ध ही माना जाता है हम इसे युद्ध कह सकते हैं इसमें अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई लड़ी जाती है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 80 और 90 के दशक से पहले भी कई दशकों तक कोल्ड वार चला है 80 के दशक और आज के हालात पूरी तरह से अलग है तब विश्व पूरी तरीके से दो धड़ों में बटा था और अमेरिका रूस के इर्द गिर्द ही घूम रही थी दुनिया तब चीन की इतनी ताकत नहीं थी तब और अब के कई देशों के समीकरण भी पूरी तरह से बदल चुके हैं साल 1945 का वो दौर जब भीषण त्रासदी लिए द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा था क्रीमिया शहर में तीन देशों के नेता फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट विंस्टन चर्चिल जोसेफ स्टालिन इकट्ठा होते हैं मकसद यूरोप का पुनर्गठन याल्टा सम्मेलन जिसे 4 से 11 फरवरी 1945 तक आयोजित किया गया था और तीनों नेताओं ने इसमें शिरकत की थी सम्मेलन का उद्देश्य एक युद्ध युद्ध शांति को आकार देना था जो न केवल एक सामाजिक सुरक्षा आदेश का प्रतिनिधित्व करता था बल्कि नाजी यूरोप के मुक्त लोगों को आत्मनिर्भरता देने की योजना थी बैठक मुख्य रूप से युद्ध टूटे यूरोप के राष्ट्रों के पुनर्स्थापना पर चर्चा करने के लिए की गई थी लेकिन इसने विश्व को अमेरिका और सोवियत जैसे दो धड़ों में विभाजित कर दिया जर्मनी चार हिस्सों में बट गया इन पर अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस और रूस का कब्जा था चार सालों के बाद विभाजन की ये खींची रेखाएं और गहरी होती गईं कई खेमे बट गए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 15 में क्षेत्रीय संगठनों के प्रावधानों के अधीन उत्तर अटलांटिक संधि पर बारह देशों ने हस्ताक्षर किए थे ये देश थे फ्रांस बेल्जियम लग्जमर्ग ब्रिटेन नीदरलैंड कनाडा, डेनमार्क आइसलैंड इटली नॉर्वे पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका ने सोवियत के खिलाफ इतना बड़ा गठबंधन बना लिया तो ऐसे में वो क्या कर रहा था उसने 1955 के वारसा पैक्ट की स्थापना की ये कम्युनिस्ट देशों का साझा सुरक्षा संगठन था यह समझौता अल्बेनिया बुल्गारिया चेकलोवासिया पूर्वी जर्मनी हंगरी, पोलैंड रोमानिया और सोवियत संघ के बीच हुआ था साल 1961 के बाद 40 से भी ज्यादा देश अमेरिका के खेमे में चला गया वहीं 15 देश सोवियत संघ में हो लिए साल दर साल खेमे बंदी बढ़ती गई एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्रों को प्रतिबंधित करना अमेरिका और सोवियत ने सीधा लड़ाई तो नहीं लड़ी लेकिन दोनों के बीच प्रॉक्सी वार चलता ही रहा 1950 का कोरियन वार 1955 का वियतनाम वार 1960 का कांगो संकट 1967 का कंबोडिया सिविल वार 1977 का सोवियत अफगान वार इन युद्धों का एक ही मकसद होता था शासन में परिवर्तन लाना और कठपुतली नेताओं को गद्दी पर बिठाना ये सारी चीज़ों सोवियत संघ और अमेरिका की तरफ से एक दूसरे के बीच चल रहे शह और मात के खेल के लिए चली गई सोवियत संघ के विघटन के साथ ही उन्नीस में शीत युद्ध का अंत हो गया लेकिन तीन दशक बाद इतिहास फिर दोहराव की दहलीज पर खड़ा नजर आ रहा है वर्तमान दौर में विश्व के हालातों पर एक नज़र डालते हैं यूक्रेन युद्ध का दंश झेल रहा यूरोप बटा हुआ नजर आ रहा है लगभग यही आलम पूरे विश्व का नजर आ रहा है जो कोल्ड वॉर के दौरान देखने को मिला था और ये उसी का संकेत भी है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसमें जीत कौन रहा है यूक्रेन का युद्ध नई विश्व व्यवस्था को आकार दे रहा है यूक्रेन के साथ यूरोप अमेरिका कैनेडा और उसके सहयोगी समेत कई सारे देश मौजूद हैं जबकि रूस के साथ बेलारूस चीन नॉर्थ कोरिया ईरान और अन्य देश हैं प्रत्येक खेमा दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है दोनों देशों के नेता विभिन्न देशों की यात्रा कर रहे हैं और नए देश को अपने धड़े में शामिल करने की कोशिश में लगे हैं मई के महीने में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए टोक्यो पहुँचे थे इसी महीने रूस के विदेश मंत्री लावरोव जीसीसी समिट में हिस्सा लेने के लिए रियाद के दौरे पर थे जुलाई महीने में बाइडेन ने सऊदी अरब और इसराइल का दौरा किया तो एक हफ्ते बाद ही पुतिन नई आर्थिक साझेदारी का इरादा लिए ईरान पहुंच गए एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ वाली यात्राओं की फहरिस्त काफ़ी लंबी है जुलाई अगस्त में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरो वियतनाम और म्यांमार पहुंचे थे वहीं यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन कम्बोडिया और फिलीपींस का दौरा कर रहे थे जिसके बाद दोनों देशों के नेताओं की जोर आजमाइश अफ्रीकी देशों के बीच भी दिखी लावरोब चार अफ्रीकी देशों इजिप्ट इथोपिया युगांडा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को साधने की कोशिश में लगे थे इधर ठीक एक दिन बाद ही ब्लिंकन साउथ अफ्रीका रवांडा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पहुंच गए यूरोपीय देशों के नेताओं के ये दौरे नए शक्ति परीक्षण की बानगी नहीं तो क्या है इसलिए इसे कोल्ड वार 2.0 कहा जा रहा है ये भी साफ है कि अमेरिका इसे जीतने तो कतई नहीं जा रहा है अमेरिका की चमक फीकी पड़ती जा रही है कई देश अमेरिका के साथ होने से हिचकिचा रहे हैं तो कई सीधे सीधे इनकार करते नजर आ रहे हैं ये देश बाइडेन के दबाव अभियान का विरोध कर रहे हैं और इसे मानने से इनकार भी करते दिखाई दे रहे हैं शुरुआत सबसे पहले अरब देश से करते हैं सऊदी अरब पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी पहली सऊदी अरब यात्रा पर गए थे सऊदी अरब मिडिल ईस्ट का वो देश है जो हमेशा से अमेरिका की विदेश नीति का अहम हिस्सा रहा है लेकिन बाइडेन की यात्रा पूरी तरह से नाकाम साबित हुई बाइडेन ने पहले तो फिस्ट बम्प के साथ उसका अभिवादन किया और फिर वो वन टू वन मीटिंग में वो एम बी एस के सामने दबाव में नजर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जिन्हें लोग एम बी एस के नाम से जानते हैं उन्होंने ही उन्हें तेल का उत्पादन बढ़ाने पर कोई गारंटी नहीं दी और न ही रूस या चीन के खिलाफ कला रुख अख्तियार करने का मन बनाया न ही बाइडेन को यह भरोसा दिलाया कि एयर स्पेस खोलने के बाद भी सऊदी अरब इसराइल के साथ संबंध सामान्य करना चाहता है तेल निर्यातक देशों के संगठन और उसके सहयोगी देशों ने सितंबर में उत्पादन पिछले महीनों की तुलना में धीमी गति से बढ़ाने का फैसला किया इतना ही नहीं ओपेक महासचिव ने कहा कि ओपेक प्लस में रूस की सदस्यता समझौते की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है इसी समय में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुआ सऊदी अरबपति प्रिंस अलाओ लीड बिन तलाल ने तीन रूसी तेल कंपनियों गैस प्रोम रॉसनेट और ल्यूक ऑयल में 500 मिलियन से अधिक का निवेश किया अफ्रीका अफ्रीका की तरफ से कहा गया कि वो अपने कदम के लिए स्वतंत्र हैं वहीं दूसरी तरफ आदेश देने की मुद्रा में नजर आया जब उसने रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिकी प्रतिबंधों का सम्मान करने की बात करते हुए चेतावनी का लहजा अपनाया लेकिन वहीं अमेरिका यूरोप को उसे नियम को तोड़ने की छूट भी देता दिखा और रूस से गैस खरीदना जारी रखा अफ्रीकी देशों ने इसे पाखंड करार दिया साउथ अफ्रीका ने पिछले हफ्ते इसको बयान देकर कहा कि अगर कुछ देश रूस यूक्रेन युद्ध के पक्ष लेने के लिए दबाव डालते हैं तो दक्षिण अफ्रीका को धमकाया नहीं जा सकता अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहकारिता मंत्री नलेदी पंडोर ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में देशों को पक्ष लेने के लिए धमकाने का प्रयास अस्वीकार्य है कुछ इसी तरह का अंदाज रवांडा का भी देखने को मिला उसने अमेरिका को उसके संप्रभुता का सम्मान करने की बात कह डाली जून के महीने में ही अफ्रीकन यूनियन के हेड रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ सूची शहर में एक मुलाकात करते हुए रूस के साथ अफ्रीकी देशों के संबंधों की भी प्रशंसा की थी अप्रैल महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस को यू से बाहर करने के लिए वोटिंग हुई उसमें चौवन में से केवल 10 अफ्रीकी देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया नौ देशों ने विरोध में वोट किया जबकि 35 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं था मार्च के महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन से रूस की सैन्य कार्रवाई को समाप्त करने को लेकर वोटिंग हुई सत्रह अफ्रीकी देशों ने वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया अफ्रीकी देश भी अब अपने प्यादे और वैश्विक संघर्ष वाली स्थिति से उप चुके हैं वो इस बात से भी उग चुके हैं कि कोई उन्हें बताए कि क्या किया जाए और क्या नहीं 1960 का कांगो संकट 1966 नामीबिया वॉर वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1975 का एंगोलन वार 1977 का इथोपिया वार ये सभी अमेरिका और सोवियत के बीच कोल्ड वार का ही परिणाम था कैपिटलिज्म और कम्युनिज़्म के बीच की लड़ाई की कीमत लाखों अफ्रीकी नागरिकों ने अपनी जान गवा कर चुकाई है अफ्रीका की विकास भी इस वजह से बाधित रही इस बार अफ्रीका फिर से पुरानी गलती दोहराना नहीं चाहता है भारत पिछले कोल्ड वॉर में भारत ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई लेकिन इस बार भारत मल्टी अलायंस की नीति पर चल रहा है जिसका असर भी नज़र आने लगा है मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर ने विश्व शांति के लिए एक बड़ी पहल करने का प्रस्ताव दिया लोपेज चाहते हैं कि एक पंचवर्षीय शांति समझौते को लागू करने के लिए एक पैनल बनाया जाए और इस पैनल की अगुवाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। राष्ट्रपति का सुझाव है कि इस पैनल में पोप फ्रांसिस एवं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुरस को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाए संदेश एकदम सीधा और साफ है ये बीसवीं सदी नहीं है और वक्त काफी बदल चुका है अमेरिका किसी भी देश को अब साथ देने के लिए ब्लैकमेल नहीं कर सकता तो यह था आज का पॉडकास्ट कल किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी जुड़े रहिए प्रभासाक्षी के साथ